क्या BGMI हमें गूगल प्ले बीटा पर देखने को मिलेगा? क्या फ्री फायर मैक्स बैन होने वाला है? क्या फ्री फायर इंडिया हमारे गूगल प्ले बीटा के अंदर आएगा? और क्या हम फ्री फायर इंडिया को पीसी में खेल पाएंगे या नहीं? और नया बैटल रॉयल इंडिया का गेम जो कि है हमारा UGW, क्या उसे हम पीसी में खेल पाएंगे? सबके सभी चीजों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं मारते। मेरे कहने से नहीं, आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहला क्वेश्चन हम पिक करेंगे, क्या गूगल प्ले बीटा में हमें BGMI देखने को मिलेगा? अभी के टाइम पे क्या होता है, हम BGMI को हमारे इमुलेटर में नहीं खेल सकते। गूगल प्ले बीटा ही नहीं, जो हमारे ब्लू स्टेक्स वगैरह वगैरह जो इमुलेटर थे, हम उसमें भी हम BGMI को नहीं खेल सकते। हाँ, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो है BGMI के, वो इन लोगों को खेलते हैं, वो लोग इमुलेटर में खेल लेते हैं, लेकिन अगर हमारे जैसे नॉर्मल प्लेयर खेलने जाएंगे तो उनकी आईडी सस्पेंड कर दी जाएगी, जैसे कि मेरी कर दी। लेकिन भाई गूगल प्ले बीटा तो हमारे प्ले स्टोर के जैसा है, तो क्या उसमें हमको देखने को मिल जाएगा BGMI? क्या होता है, देखो फ्री फायर एक ईजी गेम है। मेरा ईजी मतलब खेलने से मतलब नहीं है, मेरा ईजी कहने से मतलब इसमें सेटिंग्स कम है। 10 तरह के तो स्कोप अलग अलग लगाने की अलग अलग मेथड रहती है, उसमें इधर उधर देखने का भी रहता है जो हमको पिक बोलते हैं उसे, और उसमें इतनी सेटिंग है कि अगर एक नॉर्मल फ्री फायर का नया नया प्लेयर उसकी सारी सेटिंग को देख ले तो वो तो चक्कर ना रह जाएगा भाई, इतनी सारी सेटिंग को हम एक बार में कैसे सेट करेंगे। अगर हम फ्री फायर की बात करें तो फ्री फायर में भी जो गूगल प्ले बीटा वालों ने सेटिंग दी है वो भी सिर्फ नॉर्मल सेटिंग दी है। इसमें भी जो हमारी आधी से ज्यादा जो सेटिंग रहती है, जैसे क्विक वेपन स्विच या क्विक रिलोड, वो सब चीज नहीं दी है। हम क्विक वेपन स्विच के लिए कोई भी गन को यूज नहीं कर सकते, हम इसको गन की चिप को अपडेट करना रहता है, तो हम उसके लिए भी कोई सी की मैपिंग को सेट नहीं कर सकते। तो सोचो वो तो BGMI कितने सारे फीचर है, उनके लिए कितनी वो एक्स्ट्रा बटन दे सकते हैं, और उसकी की मैपिंग करना कितनी हार्ड होगी अगर उनको सेट करना रहेगा, क्योंकि गूगल प्ले बीटा में आपको पता है अंदर से सेट होती है, बाहर से की मैपिंग नहीं होती है, उसको गेम के अंदर से सेटिंग करनी पड़ती है। वो कितनी सेटिंग को दे सकते भाई, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। एक आंसर, एक लाइन में आंसर बोलूं तो मैं कि BGMI आपको गूगल प्ले बीटा में देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं फ्री फायर मैक्स के बैन की, देखो फ्री फायर मैक्स की जो रूमर बन रही है, जो हाइप बन रही है, क्योंकि फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों एक जैसे ही गेम है जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस कोई नहीं है तो बैन हो सकता है। दिनों पहले हमने एक फोटो देखी थी जिसमें फ्री फायर वाले योगी जी के साथ फोटो खींचा रहे थे। देखो मैं आपको योगी जी के साथ फोटो खिंचाने वाले की असलियत बता देता हूं। वो दरअसल एक यूपी गवर्नमेंट और फ्री फायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसका शायद नाम MOC या फिर MON, देखो मेरे को पता नहीं है, अगर आपको सच्चा बताओ तो उसमें बुरा मत मानना। जो MOC कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी कैंसिल हो सकता है। देखो मैंने रिसर्च करी थी, नाम अच्छे से पता नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसको बीच में से भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर गेम बैन हुआ तो उसको भी कैंसिल कर सकते हैं, और शायद इसी वजह से फ्री फायर वाले फ्री फायर इंडिया को भी ना ला रहे हो। जब तक ये गेम चले तब तक इसको चलाओ, जब ये बैन हो जाएगा तो हम फ्री फायर इंडिया को लॉन्च कर देंगे। अब यहाँ पर फ्री फायर इंडिया की बात हुई है, तो हम फ्री फायर इंडिया के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या फ्री फायर इंडिया हमारा वापस देखने को मिलेगा, और कब तक देखने को मिलेगा, और क्या हम उसे पीसी में खेल सकते हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्री फायर इंडिया कब तक आएगा। ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है फ्री फायर कम्युनिटी के ऊपर। हमारा जो BGMI है तो उसका BGMI तो आ गया, हमारे पबजी के बदले में BGMI आ गया, लेकिन पबजी लाइट के बदले में BGMI लाइट क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी जो कम्युनिटी थी BGMI लाइट की, या फिर मैं कहूँ पबजी लाइट की, तो उसकी डिमांड नहीं थी। अगर उसकी डिमांड ही नहीं होगी तो उसको लाएंगे ही नहीं, वो लोग लॉन्च ही नहीं करेंगे। सेम उसी प्रकार आजकल फ्री फायर कम्युनिटी में कोई किससे लड़ रहा है या फिर क्या कुछ हो रहा है, पूरा पिकाचू कर दिया है हमारे फ्री फायर कम्युनिटी को। इनके खुद के जो फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम वाले थे वो सभी इनके खिलाफ जा रहे हैं, तो उसकी हाइप और डिमांड जो भी है सब कुछ कम होती जा रही है। अगर फ्री फायर इंडिया की डिमांड कम हुई तो वो अभी तो इनको लॉन्च नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से जितनी जल्दी इसकी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ही जल्दी ये रिलीज होगा। और अब हम बात करते हैं क्या हम इसे भी पीसी में खेल पाएंगे, और ये क्या गूगल प्ले बीटा में देखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं कि मैं ये चीज ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर रहा, ये मेरी तरफ से तर्क दे रहा हूं, एक फैक्ट दे रहा हूं। जैसे हम BGMI को कोई भी इमुलेटर में नहीं खेल सकते, शायद हो सकता है फ्री फायर इंडिया को भी हम इमुलेटर में नहीं खेल सके, और जैसा हमारे गूगल प्ले बीटा में ऑलरेडी फ्री फायर मैक्स है, तो हो सकता है हमारे फ्री फायर इंडिया में फ्री फायर मैक्स में ही फ्री फायर इंडिया का रिप्लेसमेंट मिल जाए, फ्री फायर मैक्स की जगह हमारा फ्री फायर इंडिया आ जाए ऐसा कैसा। और अगर ऐसा हुआ तो शायद तक मैच मेकिंग भी फिक्स हो सकती है, और अगर इन्होंने मैच मेकिंग फिक्स करी तो मुझे लगता है कि इमुलेटर का काम तमाम हो जाएगा, कि आप इमुलेटर में फ्री फायर नहीं खेल सकते। जब हम फ्री फायर मैक्स को इमुलेटर में खेलते हैं तो वहां पर एक आता है इमुलेटर डिटेक्टेड, लेकिन हम जब उसको गूगल प्ले बीटा में खेलते हैं तो वहां पर कोई भी इमुलेटर डिटेक्टेड वाला ऑप्शन नहीं आता है। इसका मतलब है शायद, देखो मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन मे भी अगर आपको इसमें मिल जाए, आपके गूगल प्ले बीटा में मैच मेकिंग लगने लग जाए लेकिन इमुलेटर में ना लगे, पूरा का पूरा क्लियर तो फ्री फायर इंडिया को आने के बाद ही होगा। जब तक तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे नए गेम जो कि अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर, जिसका प्ले टेस्ट बहुत दिनों से चल रहा था, मैंने खुद ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब उन्होंने प्लेलिस्ट में एक शर्त रखी थी कि आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वो तो मैंने खुद ने भी खेला, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा गेम प्ले रहा था उसका। लेकिन भाई उसमें 19-20 का भी फर्क नहीं है, पूरा का पूरा BGMI या फिर पबजी से कंपेयर करूं तो मैं पूरा का पूरा ही कॉपी कर दिया। सिर्फ मैप को चेंज किया उन्होंने, और मैप में भी भाई 2-4 घर को बिल्डिंग को खड़ा कर दिया उन्होंने, लेकिन गेम उन्होंने अच्छा बनाया है। लेकिन मैं ये बात उनको कहना चाहता हूं जो फ्री फायर को पबजी की कॉपी बोलते थे, एक बार प्लीज 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 UGW पर भी नजर डाल ले। अगर मैं बात करूं UGW को आप पीसी में या फिर इमुलेटर में खेल पाओगे या नहीं पाओगे, तो मैं आपको डायरेक्ट मना कर देता हूं, आप नहीं खेल पाओगे। मेरे पास इसका प्लेलिस्ट था तो मैंने इसको ट्राई किया था, लेकिन भाई उससे नहीं हुआ मेरा, पता नहीं लेकिन कुछ इरर आ रहा था उसमें। लेकिन फिलहाल तो आप UGW को और BGMI को दोनों को पीसी में कभी भी नहीं खेल पाओगे, और फ्री फायर इंडिया पर भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन अभी तो उसका पता उसी टाइम पे चलेगा जब फ्री फायर इंडिया लॉन्च होगा। आज की वीडियो में बस इतने, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, और भी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो, चैनल मेंबरशिप भी ले सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।